नमस्कार दोस्तों, और स्वागत करता हूँ हमारा YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंगापुर की पैसा क्या होता है, कैसा होता है दिखने के लिए और कितना वैल्यू होता है इंडियन रुपए में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सिंगापुर की करेंसी की नाम है सिंगापुर डॉलर। डॉलर अमेरिका का भी करेंसी है और लेकिन ये सिंगापुर कंट्री का भी करेंसी डॉलर ही कहते हैं। और फिलहाल मेरे पास जो सिंगापुर की करेंसी है वो $2 की नोट है। ये आप देख सकते हो, मेरे पास $2 की नोट है। ये नोट की खासियत एक है कि ये कागज़ की नोट नहीं है, ये प्लास्टिक की नोट है। जी हाँ, ये जो है नोट, ये प्लास्टिक की नोट है। तो ये जो नोट है, ये सबसे छोटी वाली नोट है उन लोग का। इसके नीचे उन लोग के कॉइन्स आते हैं, तब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ये $2 की सिंगापुर की नोट है। तो अभी बात करते हैं इस नोट की वैल्यू कितना होता है इंडियन रुपए में। तो दोस्तों, एक सिंगापुरी डॉलर जो है उसका वैल्यू इंडिया में तकरीबन 57 रुपए के बराबर है, यानी कि 1 सिंगापुर डॉलर बनते हैं 57 इंडियन रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो काफी हाई वैल्यूएबल नोट है। और एक बार इंटरेस्टिंग है कि सिंगापुर इंडिया से काफी छोटी देश है, बहुत ही छोटी देश है, लेकिन फिर भी इन लोग बहुत डेवलप्ड है और पैसा की वैल्यू बहुत ही हाई है कंपेयर टू इंडिया। तो जैसे मैंने आपको कहा, एक सिंगापुरी डॉलर की वैल्यू 57 रुपए के बराबर है। तो ये मेरे पास जो फिलहाल 2 सिंगापुरी डॉलर है, इसकी वैल्यू तकरीबन 114 रुपए के बराबर है। तो 114 रुपए आपको मिलेंगे अगर आप ये नोट इंडिया में एक्सचेंज करते हो किसी बैंक या ट्रेवल एजेंट में, याद रखिएगा 114 रुपए। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आपको अलग अलग रकम होते हैं सिंगापुर में। अगर आप नौकरी करने के लिए जाते हैं या कुछ काम करने के लिए जाते हो तो अलग अलग अमाउंट में कितना होता है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंगापुर डॉलर की वैल्यू जानने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप गूगल में जाओ। ऐसे आप अपना मोबाइल में google.com खोलिए, उसके बाद टाइप कीजिए 1 सिंगापुर डॉलर टू इंडियन रुपीज। तो गूगल आपको बता देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सिंगापुर डॉलर इक्वल 56.44, यानी कि 57 रुपए के बराबर मैंने आपको जो कहा था पहले। तो अगर आपको कुछ दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करना है तब आप कैसे करोगे, यहाँ पे नीचे आओ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरिया है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको चेंज कर दो। मान लीजिए कोई आपको 100 सिंगापुर डॉलर दे रहे हो तो आप यहाँ पे 100 डाल दो। तो 100 डालने से आप देख सकते हो ये 5,644 बन गया। अगर कोई आपको 250 सिंगापुरी डॉलर देता है तो ऐसे करो, और यहाँ पे आप देख सकते हो 14,111 रुपया निकल गया। अगर आपको कोई 750 सिंगापुरी डॉलर देते हैं तब यहाँ पे 750 टाइप कीजिए, आप देख सकते हो 42,333 हो गया। एग्जैक्टली आपको सिंगापुर डॉलर में कितना इंडियन रुपये मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ये मोबाइल नहीं है या इंटरनेट नहीं है तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये आपको मैं अभी बताता हूँ। तो इसके लिए आपको जो याद रखना है वो है 57, आज की डेट में 57 याद करना है, ठीक है, क्योंकि एक सिंगापुरी डॉलर 57 इंडियन रुपी होते हैं। तब जो भी रकम आपको मिलता है, मान लीजिए अगर कोई आपको 740 सिंगापुरी डॉलर देते हो तब मल्टीप्लाई कीजिए 740 से, तब आप देख सकते हो यहाँ पे 42,180 आ गया। अगर आपको कोई मान लीजिए 850 सिंगापुरी डॉलर दे रहे हो तब यहाँ पे देख सकते हो 48,450 हो गया। और अगर आपको कोई 1,500 सिंगापुरी डॉलर देते है तब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए और रिजल्ट आ गया 85,500 रुपीज। तो काफी आसान है तरीका सिंगापुर डॉलर टू इंडियन रुपी कन्वर्ट करने के लिए ऐसे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया कि सिंगापुर डॉलर कितना होता है इंडियन रुपए में। तो कुछ भी अगर आपको अभी भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा और हेल्प करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।